विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। देश में ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज हो गई है। अब तक 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के 113 केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और जल्द ही ये पिछले साल कहर बरपाने वाले डेल्टा वेरिएंट को भी पीछे छोड़ सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 91 देशों तक पहुंच गया है और अब तक 27,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में डेल्टा संस्करण की तुलना में तेजी से फैल रहा है। नए कोरोना पॉजिटिव होने वाले 98% मामले ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना के नए केस और संक्रमण की दर दोनों घटी है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 69 केस आए और 78 मरीज ठीक भी हुए। इस दौरान 57,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 466 हैं और इसमें ओमिक्रॉन के 20 केस हैं। WHO ने बच्चों की वैक्सीन कोवोवैक्स के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है। दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच बच्चों की वैक्सीन को लेकर ये पूरे देश के लिए बड़ी राहत की खबर है। कंपनी के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि अगले 6 महीनों में बच्चों के लिए कोरोना का टीका लाने की योजना है। कोवोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी देते हुए WHO ने कहा कि इस वैक्सीन को अब वैश्विक वैक्सीन शेयरिंग सिस्टम के तहत गरीब देशों को दी जाएगी। नोवोवैक्स और सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ खुराक तैयार करने का करार किया है। समझौते के मुताबिक कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए कम से कम 100 करोड़ खुराक वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। देश में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच केजरीवाल सरकार ने आज से 5वीं क्लास से ऊपर के सभी स्कूल खोल दिए हैं। राजधानी में प्रदूषण के हालात की समीक्षा के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने इसकी इजाजत दी थी। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया। 27 दिसंबर से 5वीं तक के स्कूल भी खोले जा सकते हैं। कोरोना से हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से 10 दिन के अंदर मुआवजा देने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, केरल, बंगाल और राजस्थान को फटकार लगाई है। साथ ही दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। दुनिया भर में 27 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि कोरोना महामारी 2024 तक तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, हमें इसके खिलाफ लगातार लड़ते रहना होगा। कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका समेत 10 अफ्रीकी देशों के विदेशी यात्रियों पर से ट्रैवल बैन हटा लिया है। नए नियम रविवार से लागू हो जाएंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर ये प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ओमिक्रॉन को रोकने में कोई खास सफलता मिलती नहीं दिख रही है। इसके बाद कनाडा सरकार ने बैन हटाने का फैसला लिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने बजट पे सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% से घटाकर 4% का प्रस्ताव किया है। इससे सोने की तस्करी कम होगी और सोने की कीमतों में भी कमी आएगी। इंपोर्ट ड्यूटी घटने से सोने के दाम भी 3.5% तक कम होंगे और ज्वेलरी निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। किसान आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार एक और बड़े सुधार से पीछे हट गई है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने और बैंकों के निजीकरण के मुद्दे से पीछे हटने के बाद अब उसने बिजली सब्सिडी सीधे ग्राहकों के खाते में ट्रांसफर करने की योजना को टाल दिया है। बिजली बिल का ड्राफ्ट संसद के चालू शीत सत्र में पेश किया जाना था।